पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। नीचे उतरो। अरे साला, हेलो भैया। भैया पुत्तन मा तो 50 लोग के साथ चारों तरफ मोर्चा घेर लिया है, आप ही बताइए क्या करें। पुत्तन? हाँ भैया। पुत्तन मा यहाँ कैसे? कम से कम 50-60 लोग है भैया उसके साथ में। ठीक है भैया। सो रहे हैं पुलिस वाले? मैं सभी संबंधित इलाकों के अधिकारियों को फोन लगा रहा हूं सर, लेकिन सर सब यूजलेस है। इस तरह सरेआम गोलीबारी होने का मतलब समझते तुम?
सकता है ना ही यहाँ पे, कानून है ना ही कानून के रखवाले। समझते क्या है ये बाहुबली अपने आप को, मॉडर्न रॉबिनहुड, जो जी में आएगा वो करेंगे। अरे एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज है या नहीं? सर मैंने सभी अधिकारियों के नंबर ट्राई कर चुका हूँ लेकिन किसी से भी बात नहीं हो पा रही, कुछ के नंबर बंद है तो कुछ के पहुंच से बाहर। खतरनाक स्थिति में फोन बंद बताए जाएंगे। क्या होता है इस? Just hopeless. ऐसा ही होता है सर यहाँ, जब भी इन दोनों बाहुबली में टसल होती है सबके फोन बंद बताए जाते हैं। पुलिस वाले, इनके फोन क्यों बंद है? कहाँ हैं इनके सारे अधिकारी? ये तो पता नहीं सर, लेकिन जिस तरह से गोलियों की बौछार हो रही है मुझे ऐसा लगता है पूरा महाराजगंज जल उठेगा। बहुत बड़ा कांड होगा आज। मेरा ऐसा मानना है कि बाबा की गिरफ्तारी के बाद ही आग सुलगी है। रिप्लाई कुछ नहीं आ रहा उधर से मुझे। कंतवा वो बड़का पत्थर के नीचे है साला, दाग चुक पर। अरे साला गीदड़ की तरह छुप के वार करता है। अरे अरे माई का लाल है तो बाहर निकल। साला कौन गीदड़ है? कल सेरा भी समझाते हैं। साला ऊपर से छुप के वार करता है, हिम्मत है तो नीचे आना साला नामराज। अरे आ रहे हैं रे साले, यही दफना के जाएंगे इसी तालाब में। अब भूल गया का तू मेरे बाप को हम ही मारे थे साले। ए, तू तो हमारे बाप को गोली मारा था ना, हम तो तुम्हारे बाप बप्पनलाल को काट के पूरा छितरा दिए थे साला। इतना आ रहे हैं साले और देखते हैं कौन किसको काटता है। और सुन तुम्हारी बहन जो है ना वो बेगवा को भी ले जाएंगे। ए, बहन के लाओ मतलब। सब लोग अपने अपने हथियार लेकर सावधान हो जाओ।
गाड़ी कहीं से भी आ सकती है। उधर से बंद साल की सर्विस में पहली बार इतना जबरदस्त बमबारी देख रहा हूँ भाई। अरे साला यहाँ तो ऐसा लगता है कि कारगिल का युद्ध हो रहा है। कारगिल नहीं बेटा, यहाँ पर तो पूरा महाभारत मचा हुआ है। चुप साला, बकवास बंद करो। जब देखो जब टीपर टीपर के आ रहा है। लेकिन साहब आगे करना पड़े, हिम्मत है काम नहीं कर रहा है साहब। अरे काहे उल्टा सीधा पक रहे हो, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कौन कह रहा है? अरे हमको भी अपना जानते रहा है, चुपचाप यहीं रहो और हवा में फायरिंग करो बस। भैया जी हमारी गोलियां खत्म हो गई। आप कहाँ गए भैया? देख देख देख, एक आते यहाँ से नो निकलते, काफी लोग मारे जा चुके हैं। और अब कहा बात कर रहे भवानी, आज यहाँ से चलेगा सारा इज्जत माटी में मिल जाएगा, चाहे गोली खा के यहाँ मर जाए लेकिन जाएंगे नहीं। भैया मेरी बात मानिए, अभी यहाँ निकलते हैं। बोला ना नहीं जाना बस। बंसी लगता है वो सबका गोली खत्म हो गया है। देख खाली दो जगह से फायर आया है। अभी सुन, गोली अभी बर्बाद नहीं करना है। पीछे से विजय कंतवा पे, विजय कंतवा पे पीछे से जाओ। अरे तुम लोग आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, उधर से बम फेंको, उलझा के रखना है खाली विजय कंतवा को। इधर से गया ही दो लोग ठोक देगा। चल चल चल, करो उधर से। तू आगे बढ़, वहां जो मरा हुआ आदमी है ना, उसको संभाल लेकर आ। चल चल। ए, रुक रुक रुक। बंदूक नहीं, आदमी बचा। सुनो, कम कम गोली चलाओ, एक एक गोली चलाओ। गोली खत्म है, घबरा मत, हम एक एक गोली चला रहे। डटे रहो। भैया जी मेरी भी गोली खत्म हो गई। आखिरी आज आने दे सालों को, आज देख ही लेते। भैया जी बोल बोल बोल, विजय कंतवा को गोली मार दी है। भैया जी गाड़ी में चलते, ये ले बंदूक ले, तुम दोनों कवर कर। देखो भाग रहा है सब, ले कमर, तुम दोनों कवर कर। अलग चलो आगे बढ़ो, गोली रख गया पीछे कंतवा को, सलाम कुत्ते का लाश लेके आओ। देख देख उधर पानी की तरफ, देख उधर भागा है सलाम साहब।
कछुआ का लाश लेके आओ, जा कहीं छुपा हुआ हो।